नमस्कार दोस्तों, मैं आपको SBR रियल स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पर आए उल्लासनगर स्टेशन, और उल्लासनगर स्टेशन से भी हम लोग जाएंगे प्राचीन शिव मंदिर जो कि अमरनाथ में है। और वहां पे अभी हम लोग सुनेंगे, बहुत ही बढ़िया वहां पे आरती वगैरह होता है। तो मैं आज यहां पे आपको उल्लासनगर स्टेशन से ले चलता हूं प्राचीन शिव मंदिर जो कि अमरनाथ के अमरनाथ में है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इसके लिए वीडियो लिया है कि बहुत सारे लोग उल्लासनगर स्टेशन से आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कैसा जाना है। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते जाऊँगा। और यहाँ से अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो उल्लासनगर स्टेशन उतर के आप यहाँ से रिक्शा भी ले सकते हैं। यहाँ से बाहर देख सकते हैं कि आप रिक्शा है, यहाँ से रिक्शा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी अमरनाथ प्राचीन शिव मंदिर, जो कि मैं रास्ते में आपको पूरी जानकारी देते रहूँगा और वहाँ पे भी आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टेशन के उतरने के बाद में आप अभी रिक्शा करके भी आप शिव मंदिर आ सकते हैं। तो चलिए, हम मेरे पास तो गाड़ी है तो मैं आपको रास्ते में पूरा दिखाते जाऊँगा। आप यहाँ पर उतरेंगे और आसानी से रिक्शा वाले को बोलेंगे कि मुझे अमरनाथ शिव मंदिर जाना है, तो कोई भी आपको रिक्शा वाला यहाँ से चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी शिव मंदिर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा रिक्शा, यहाँ पे यहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं। तो आसानी से यहाँ पे आपको रिक्शा मिल जाता है और इसी रूट से रिक्शा जाता है। मैं आपको एक अलग रूट से भी ले जाऊँगा। रिक्शा वाले को अगर आप ले जाते हैं तो वो तो आपको बराबर ले जाएगा, मगर मैं आपको दूसरा भी एक रूट है जो कि उल्लासनगर से वीनस करके है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। वो आपको आसान पड़ेगा क्योंकि यहाँ अंदर से जाना पड़ता है, अंदर से आपको जल्दी पता नहीं चलेगा। तो ये है, देखिए ये चौक है, यहाँ से अगर सीधा जाते धर्मवीर राजा नगर प्रवेश द्वार, यहाँ से रिक्शा जाती है सीधा। ठीक है दोस्तों, मगर मैं आपको ले चलूँगा इस रूट से क्योंकि ये आपको आसान पड़ेगा। अगर आपके पास बाइक या कार है या गाड़ी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर रिक्शा वाला है तो रिक्शा वाला आपको यहीं से ले जाएगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा आगे से ले चलता हूँ तो वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। ये जो रोड है ये सीधा आपको ले चलता है वीनस के पास। वीनस एक फेमस यहाँ पे चौक है, वीनस टॉकीज भी यहाँ पे है, तो वीनस टॉकीज के नाम से ही वीनस चौक पड़ा है ये, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए रास्ते में, पूरा मैं रास्ता आपको बताते चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है वीनस चौक। ठीक है, आप सीधा आते हैं वीनस चौक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चौक है, ये चौराहा है। यहाँ से अगर आते तो ये कल्याण से आता है, ये कल्याण स्टेशन से सीधा आता है। ठीक है दोस्तों, और जो 17 सेक्शन से भी ये रास्ता सीधा आता है, ये वीनस चौक है। ठीक है दोस्तों, ये पीछे बाजू से अपन लोग आए थे, स्टेशन है। और अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ से लेप मारना है, लेप मार के अपन लोग सीधा यहाँ से अमरनाथ प्राचीन मंदिर जा सकते हैं, अमरनाथ शिव मंदिर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अभी।
या आगे आएंगे तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पड़ता है। अब हम लोग आए हैं नेताजी चौक पे और ये देखिए सामने ये है नेताजी चौक। ये हम लोग पीछे से आए हैं यहाँ से, अब हम लोग चलेंगे सीधा लेप मार के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे आपको किसी को पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मगर किसी को पूछेंगे तो भी लोग आसानी से बता देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भाटिया चौक। और ठीक है, ये हुआ आपका भाटिया चौक। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक भी है, एटीएम भी है, एसबीआई का एटीएम भी है, एसबीआई बैंक भी है। चलिए दोस्तों, अब यहीं से सीधा आपको जाना है, कहीं आपको लेफ्ट राइट नहीं करना है, सीधा ही जाना है, एकदम सीधा, एकदम सीधा। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर, ये प्रवेश द्वार है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट करता है अंबरनाथ और उल्लासनगर को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी एक चौक है, हम लोग यहाँ से भी मंदिर जा सकते हैं। जहाँ से उल्लासनगर से आप आते हैं तो आप ये बाजू में मंदिर जा सकते हैं, और अगर आपको अंबरनाथ स्टेशन जाना है तो अंबरनाथ स्टेशन आप यहाँ से सीधा ही जा सकते हैं। आपको कहीं राइट वगैरह मारने की आवश्यकता नहीं, आपको सीधा ही लेफ्ट लेफ्ट साइड में ही जाना है। तो चलिए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, तो मतलब यहाँ से भी आप मंदिर जा सकते हैं, या ये रास्ते से भी और आगे वाले रास्ते से भी। महाशिवरात्रि के दिन मैं बताता हूँ आपको कि ये पूरा जो यहीं से पूरा मतलब भरा रहता है, एकदम पूरा गर्दी रहता है, आपको जगह नहीं मिलती है पैर देने के लिए। अगर आप महाशिवरात्रि को आते हैं तो थोड़ा जल्दी अगर आएंगे तो जल्दी दर्शन होगा आपका। ये देखिए दोस्तों, ये जो सीधा रास्ता है ये अंबरनाथ स्टेशन से आता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी भी है, शिव मंदिर पुलिस चौकी, और यहीं से हम लोग आते थे। देखिए सामने देख सकते हैं आप, ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से आप मंदिर जा सकते हैं। और पीछे से हम लोग आए यहाँ से उल्लासनगर से,
तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों के बीच में यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है प्राचीन शिव मंदिर का। तो चलिए हम लोग अभी अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए चलते हैं अभी। मैं आपको अंदर शिव मंदिर में लेके चलता हूँ, मगर उसके पहले मैं आपको दूसरा रास्ता भी बता दूंगा। क्योंकि दोनों भी रास्ते आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दोनों भी रास्ते आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से, ये हुआ पहला रास्ता। धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। बहुत ही फेमस यहाँ पे है प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पीछे आए हैं और ये देख सकते हैं अभी यहाँ से उल्लासनगर शुरू होता है। ये उल्लासनगर का हद है, जय झूलेलाल प्रवेश द्वार। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अभी, मैंने आपको पीछे का रास्ता दिखाया था, अब मैं यहाँ का भी रास्ता आपको दिखा देता हूँ। आप दिखा सकते, बहुत ही शानदार यहाँ पर गेट बना हुआ है। चलिए अपन लोग अभी बस इसके गेट के बगल से ही, एकदम बगल से आपको क्या करना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट। जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रवेश द्वार है, धर्मवीर आनंद दिघे साहब का है। आनंद दिघे सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे, लोगों की बहुत सेवा की है, लोगों के जो भी प्रॉब्लम रहते थे तो सॉल्व करते थे, और उनके जैसा महान व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि अभी आज के तारीख में कोई बन पाएगा। तो ये उनके नाम पे ये बनाया गया है, प्रवेश द्वार बनाया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं अभी। साथ में आप आते तो यहाँ पे देखिए, ये पहला मंदिर पड़ेगा आपको, अंबरनाथ जल आश्रम। यहाँ पे नहीं आपको चलना है, यहाँ से भी दर्शन लेना है और आगे भी आपको चलना है। यही से आपको देखिए, यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है, सोमवार के दिन भी आते तो भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अंदर से भी लाइन, ये लोग ज़्यादातर अंदर से लाइन लगाते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये रास्ते से लाया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल है, नारियल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आए फाइनली यहाँ पर। तो ये अपना मौसी है, आप यहाँ पे आएंगे तो अपना गेट के बगल में ही मौसी का स्टॉल है, यहीं से आप हार फूल नारियल ले सकते हैं। मैं मौसी से ही लेता हूँ, है मौसी, है ना मौसी। यहाँ पे बहुत ही पुराना ही है यहाँ पे, और हार फूल वगैरह मतलब बहुत शानदार यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने लिए हार और फूल लेता हूँ। तो मैंने हार ले लिया है, चलते हैं अभी अपन अंदर। Thank you.
आइए दोस्तों चलते हैं। देखिए ये आपको मंदिर देखिए, बहुत ही शानदार। और आप अगर नज़दीक से देखेंगे, ओहो बहुत ही पुराना मंदिर है ये, पांचों पांडवों के कालीन ये उन्होंने स्थापित किया था इस मंदिर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग चलते हैं मंदिर अंदर चलते हैं। या आपको अगल बगल का पूरा नज़ारा मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नज़दीक से देखिए, देखिए दोस्तों आज की तारीख में कितना भी बड़ा इंजीनियर रहने दो या कितना भी बड़ा कोई आर्किटेक्ट रहने दो, ऐसा कारागिरी कोई कर नहीं सकता, कितना भी बड़ा कारागिर हो। तो सोचिए दोस्तों कि उस जमाने में तो साधन भी नहीं था, फिर भी देखिए और पूरा मतलब पत्थर है ऐसा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप शिव मंदिर के अंदर आने के बाद में यहाँ पर ये कुंड बनाया हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे कुंड बनाया हुआ है और पानी भी है यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं। और इसमें कछुए है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कुंड है और ये बगल में माता जी का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर है माता जी का, आप यहाँ पे शिव जी का दर्शन करने के बाद में आप यहाँ पे भी माता जी का दर्शन करने जा सकते हैं। और साथ में ऊपर देखिए गार्डन वगैरह बना है। दोस्तों तीन द्वार है, एक तो ये पहला द्वार है, मेन द्वार आगे है जो जहाँ पे नंदी है। तो चलिए अपन लोग चलते हैं, अभी अंदर चलते हैं। देख सकते हैं कितना शानदार भव्य दिव्य मंदिर है, ये देखिए दोस्तों। मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा मंदिर दिखाई दे ऊपर तक, ये देखिए दोस्तों। ये नंदी से, नंदी महाराज से हम लोग परमिशन लेके चलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेन द्वार पे देखिए, देखिए नंदी महाराज जी है यहाँ पर, नंदी महाराज जी का हम पहला परमिशन लेते हैं। देखिए दोस्तों यही से आपको मैं अंदर का ये दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से अंदर है। मैं दर्शन करके बाहर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दर्शन हुआ मेरा। और मैंने कोशिश की आपको मंदिर में आपको दिखाने का प्रयास किया, कैमरा वहाँ पे अलाउ नहीं है मंदिर में, यहाँ से बाहर आए हैं ऐसे चलते भी। Thank you.
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने लोग, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, अपने परिवार तक, अपने मित्र परिवार तक, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी जानकारी देते रहता हूँ। और अभी मैंने शुरू किया है तो बहुत सारी जानकारी मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहूँगा, और भी मैं आपको अलग अलग जगह पे मैं आपको ले चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आपने जो वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लाइक करिए, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो आपका सपोर्ट बना रहने दीजिए ऐसा ही, और अगर कुछ गलती वगैरह मिस्टेक हुआ रहेगा तो जय भोलेनाथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद, जय भोले, जय भोलेनाथ।